गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज के कुछ सीन्स ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं सिटी वाली साइड। मम्मा ने मॉर्निंग में मेरे को बोला कि आज थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है उनकी, वो उनको करनी है, तो मैंने कहा चलो इसी बारे में आपके लिए व्लॉग भी आ जाएगा नया। और अभी टाइम हो चुका है 11:30 के करीब, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है हमने। सो अब फटाफट से चलते हैं बाहर की तरफ, गाड़ी निकालते हैं और बाकी की बातें आपसे करते हैं गाड़ी में। निकल चुके हैं घर से और फिलहाल जा रहे हैं सिटी वाली साइड। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम सिटी वाली साइड गए थे वहाँ पे शालामार के पास JDA की पार्किंग है तो है, बट जहाँ हमने जाना ना वहाँ से वो बहुत दूर पड़ती है, फिर चलना वहाँ पे ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी रोड जो है हाइट पे है। वही अभी सोच रहे हैं कहाँ लगाई जाए कहाँ लगाई जाए। देखता हूँ, एक दो फ्रेंड्स को पूछता हूँ, वो भी जाते रहते हैं, कि मैं ना सिटी इतना वगैरह जाता नहीं हूँ और मुझे इतना सिटी के बारे में मालूम भी नहीं है, तो एक दो फ्रेंड से कंफर्म करते हैं, देखते हैं कोई आसपास की जगह मिल जाएगी तो लगा देंगे वहीं पे। और मेरे साथ आए हैं मेरी मम्मा। मम्मा हेलो कर दो। हेलो। तो आज क्या लेने वाले हो आप? हिंदी में ही बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं मतलब हिंदी समझते हैं, पंजाबी तो समझ तो आएगी नहीं उनको, तो देख लेते हैं फिर। कहाँ जा रहे हैं हम आज? सिटी शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ क्लोथ्स वगैरह बाय करने। जी जी शॉपिंग करने। ठीक है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम जब भी जाते हैं मासी को साथ में लेके जाते हैं, बट किसी कज़न की शादी आ गई थी तो उनको वहाँ पे जाना पड़ा और फिर अभी हम मम्मा अकेले ही जा रहे हैं। तो मम्मा वैसे भी हम कितनी देर होगी ना घूमने के लिए भी नहीं गए कहीं पे, काफी देर होगी है ना, मतलब आउट ऑफ स्टेट अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं गए है ना। लास्ट टाइम हम गए थे एक साथ टेरिटरी से बाहर अमृतसर वाली साइड गए थे, बट उसके बाद हम कहीं गए ही नहीं है। और वैसे भी मासी आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उनको काफी मतलब बोला था मैं आपको बता, जब मासी ऑस्ट्रेलिया में थे ना तब मैं उनको फोन करके बोलता था मासी आप जल्दी आओ जल्दी आओ, हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे। बट मासी या मासी का लक कह ले या हमारा लक कह ले, मासी जब से आया ना लॉकडाउन वगैरह लग गया और कहीं हम घर से ना निकल ही नहीं पाए बाहर। तो अब देखते हैं, लॉकडाउन वगैरह तो खुल गया है फिर भी, और देखते हैं अब बनाते हैं कहीं प्लान घूमने जाने का, देखते हैं किस साइड हम जाएंगे, या तो हिमाचल वाली साइड जाएंगे अगर आउट ऑफ स्टेट गए तो, अपनी टेरिटरी के बाहर गए। मेरे मुंह में बार बार स्टेट स्टेट आ गया क्योंकि पहले स्टेट थी ना, आदत नहीं रही, तो देखते हैं किस साइड जाएंगे, लेकिन जाना ज़रूर है ना मम्मा। बनाते हैं कोई जल्दी प्लान बनाते हैं, आपके लिए ब्लॉग्स भी लाने हैं धड़ाधड़। और वैसे ना मेरे को बड़े सारे फ्रेंड्स वगैरह भी कहते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मुझे कि भैया आप ना डेली व्लॉगिंग किया करो। गाइस मैं आपको बताऊं, डेली व्लॉगिंग सबसे मुश्किल हो मुझे लगती है ना, वो डेली व्लॉगिंग ही लगती है, क्योंकि ना इसमें समझ ही नहीं आता यार क्या कंटेंट बनाएं क्या ऐड ऑन करें। क्लाउडी मौसम हुआ हुआ है, धूप तो है नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो आई है बाहर, क्या कर सकते हैं, आदत सी पड़ गई है अब तो AC में रहने की, AC से बाहर निकलो तो हालत टाइट हो जाती है। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं बैक साइड यूनिवर्सिटी की, भुजनगर वाले पुल पे पहुंचे हैं। और अभी मैंने ना अपने एक फ्रेंड को पूछा, उसने मेरे को बताया कि कच्ची छावनी के पास भी ना एक पार्किंग है, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो बिल्कुल सेफली। सो अभी उसी साइड जाएंगे, शालामार वाली साइड से निकलेंगे हम और सीधा कच्ची छावनी लगा के आके गाड़ी लगाते हैं। कल मैं देख रहा था कि ना हमारे इंडिया के ना ओलंपिक्स में 7 मेडल्स आ चुके हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, स्पेशली तब जब वो मेडल्स डाल रहे होते हैं, जब वो फर्स्ट नंबर पे जब वो हमारा नेशनल एंथम चलता है, बाय गॉड क्या फीलिंग आती है उसमें ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सीरियसली। वो जो फीलिंग है ना वो मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि किस तरह की फीलिंग होती है, इतना प्राउड फील होता ना सीरियसली। अभी और भी काफ़ी सारे मेडल्स आने वाले हैं, मेरे को पूरा यकीन है हमारा जो इंडिया है बिल्कुल बहुत आगे जाएगा इस बार, तो बहुत ज़्यादा मेडल आने वाले हैं, पिछला रिकॉर्ड सब तोड़ देने हैं इंडिया ने इस बार। गाइज सीरियसली कह रहा हूँ, जब तक मतलब 15 अगस्त आ रहा है ना, आप इतनी ज़्यादा नाकेबंदी होगी ना यहाँ पे जम्मू सिटी में, जम्मू सिटी की हर जगह ही वरी होगी। और ये यहाँ पीछे आ चुके हमारे एम्बुलेंस, साइड देते हैं पहले रास्ता देते हैं एम्बुलेंस को। इतनी ज़्यादा, हाँ मैं आपको बता रहा था कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो गई है ना, हर जगह नाके लगे हुए हैं। इसी बात पे ना मेरे को एक बात पे बहुत हंसी आती है, एक ना चैनल है न्यूज़ चैनल है, और वो चैनल वाला क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पे चलान कट रहे होते हैं ना वहाँ पे जाके वीडियो बनाने शुरू हो जाते हैं, और एडवांस में बता देता है सबको कि यहाँ पे चलान कट रहे हैं, अगर आप इस साइड आ रहे हैं थोड़ा सा बीवियर हो जाए। क्या
जाने यार, सीधा रोड से ना सीधा बाहर निकलेंगे, कोई नहीं देखेंगे कि बाहर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, सीधा बाहर निकलना भाई। धूम फिल्म जो चल रही है, ये आ गया कच्ची छावनी। ये रोड मुझे ना बड़ी याद आती है, क्योंकि जब हम जिम थी ना हमारी यहाँ पे 5 तीर्थ में, तो इसी रोड से हम घर वाली साइड जाते थे। अब यहाँ पे देखते हैं पार्किंग, कहीं पे भी पार्किंग होगी आस पास ही कहीं पे, वीडियो करते हैं बंद और ढूंढते हैं पार्किंग। चलो बाय 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 बाय। तो पार्किंग यहाँ पे हमें मिल चुकी है, अब बस टास्क कंप्लीट होने वाला है हमारा, यहाँ पे करेंगे पार्क। आगे जाके देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, कोई अच्छी सी पार्किंग हमें मिल जाए। फिलहाल तो यहाँ पे पूरा फुल ही लग रहा है मुझे। गाइस अभी हो चुका है सीन, सीन ये हो चुका है कि कच्ची छावनी वाली पार्किंग में हम गए तो थे, बट वो कह रहे हैं कि चाबी भी आपको ना हमें ही देनी पड़ेगी। ये ना मेरे को थोड़ा ठीक सा नहीं लगा, पता क्यों? क्योंकि गाड़ी में ना एक्चुअली सामान भी पड़ा हुआ थोड़ा, और मैं निकालना भूल गया था घर पे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं JDA वाली पार्किंग जो बनी हुई है शालामार में, भारत माता चौक के पास, तो वहाँ पे जाके लगाएंगे। वो जगह जो है ना पार्किंग वाली, वहाँ भी आपको बताता हूँ, वो मेरे को बिल्कुल सेफ लगती है यार। वो ऐसी पार्किंग ना जम्मू में मेरे ख्याल से एक और होगी बस स्टैंड वाली, जो मैं अभी अभी देखी नहीं है, वो शायद ऐसे ही बनाई है उन्होंने लिफ्ट टाइप, उसमें भी लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, पूरा आप ऊपर जाके ऊपर तक ले जाते हैं गाड़ी को, तो चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम ट्रैफिक पुलिस वाले चलाना गाड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं यार इनका, आजकल ये बड़े मशहूर हुए हुए हैं, कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं। चलो अभी आपको मैं दिखाता हूँ पार्किंग, फिर मिलता हूँ आपको। ये आ चुके हैं हम पार्किंग की एंट्री में, और यहाँ पे करते हैं कार का सिडान का, अभी खुलता है आगे से बैरिकेड। इधर इधर जाना है, ठीक है जी, ठीक है ओके। हमें जो पार्किंग रूट मिला है वो है M7, M7 ये है, यहीं पे हमें पार्क करनी है। अभी आपको बताते हैं कितना सही सिस्टम यार यहाँ पे बनाया हुआ है हमें, एक गाड़ी से देखते हैं। यार इस रोड पे ना मेरे को सबसे गंदगी चीज़ ये लगती है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है यहाँ पे ना, बड़ी सारे लोग पार्किंग वगैरह कर देते हैं यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे JD की पार्किंग वगैरह बनी हुई है, फिर भी लोग यहाँ पे मम्मा गया थक। हाँ जी थक गए हो? अभी तो बड़ा चलना है, आगे कैसे चलोगे, इधर ही थक गए तो। सिटी से तो हम निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर ली जो करनी थी, अब भूख भी लग रही है। अब सोच रहे हैं कि गांधीनगर ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सिटिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है, यहाँ पे बड़ी कंजस्टेड जगह है, तो सिटिंग वगैरह भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। एक्चुअली काफ़ी पुरानी बनी हुई है ना ये सिटी, तो इसलिए मार्केट वगैरह बहुत पुरानी है ये। अभी बीच में ना एक शॉट भी डाला होगा मैंने, देख लेना, 1963 का एक घर अभी तक बना हुआ है, बंद है, कोई रहता नहीं है वहाँ पे, लेकिन मार्केट के बीच में है। ऐसे ही और भी बड़े सारे घर हैं यहाँ पे जो बहुत पुराने पुराने यहाँ पे बने हुए हैं। सो गाइस अभी खा पी के हम निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी थी यार, एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी मेरी, और अभी थोड़ा पेट बड़ा तो अच्छा लग रहा है मुझे, तो अभी टेलर के पास भी जाना है, हमने टेलर को कपड़े देने हैं थोड़े स्टिचिंग के लिए, और उसके बाद हम सीधा घर ही जाएंगे अब, क्योंकि मेरी बैक पे ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। सुबह एक्चुअली मैं कार का कवर उतार रहा था, तो पता नहीं अब चुप पड़ गई है कि क्या पड़ गई है, तो उससे बड़ी ज़्यादा पेन हो रही है। सो इस वीडियो को जो यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट कोई भी क्यूरी हो आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। सो टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.